دعائیں ہم زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف. بسم اللہ الرحمن کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے
कि अगर जाहिर बहुत खूबसूरत लगता था तो फिर उस पर झुकना आसान होता है। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि जाहिर को देख के झुको, अल्लाह चाहता था कि तुम्हारा दिल मेरे हुक्म पे तस्लीम हो जाए। लिहाजा शैतान ने तकब्बुर किया, अब आप उसका बरा उसने कहा कि मैं ऐसी मट्टी के सामने कैसे झुकूं, खलकतनी मिनार व खलकतहू मिन तीन, तूने मुझे आग से खलक किया, उसे मट्टी से खलक किया, इस मट्टी से खलक किया, मैं इसके सामने कैसे झुकूं। बजाय कोई अच्छी खूबसूरत शहर कमाल वाली शहर तो बहुत झुकता उसके सामने, अल्लाह चाहता है ना फकत मटीरियल को ना देखो, मेरे हुक्म को देखो। तो अल्लाह तआला ने इस तरह से खलक किया। अब इस पर आप तफसील में जाइए, जिसका मतलब है कि अल्लाह ने जाहिर के लिए एहतमाम नहीं किया, बातिन में जो नस्बत है अल्लाह से उसके लिए एहतमाम किया है। बस यही मामला है अलम के एहतराम का, जाहिर तो वही लकड़ी है वही कपड़ा है। कहते हैं कि भाई तो बाजार में बिकने वाला कपड़ा था, इसका एहतराम क्यों है? इसलिए कि वमा युअज्जिम शाइरल्लाह फइन्ना मिन तक्वल कुलूब, इबादत अल्लाह की है, एहतराम शाइरल्लाह का है। बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, फकत एक फिक्रा कह के आगे बढ़ूंगा, शाइरल्लाह यानी क्या? जिसे देख कर अल्लाह याद आता है, शाइरा की जमा है, जिसे देख कर अल्लाह याद आता है। वहाबियत के साथ जो मुश्किल हुई, उन्होंने इबादत को और ताजीम को मिक्स करना चाहा, ये शिर्क करते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कहा ताज़ीम करो शायरुल्लाह की, इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम शायरुल्लाह की है। शायरुल्लाह की मिसाल क्या है? इन्ना सफा वल मरवा में शायरुल्लाह, सफा और मरवा शायरुल्लाह में से, बल बुतना जअलना लहू मिन शायरिल्लाह, सूरह हज में फरमाया वो जो कुर्बानी के लिए तुम जानवर जानवर निशान लगा देते हो, वो जानवर कुर्बानी का शायरुल्लाह में से। अल्लाह ने ये मिसालें दी, सफा और मरवा की मिसाल दी और जानवर की मिसाल, यानी एक जमादात की दी है एक हैवान की दी, अल्लाह ने इंसान की तो मिसाल ही नहीं दी, इंसान की तो मिसाल पर ही नहीं आया। फरमाया कि जमादात की मिसाल हम तुम्हें दे रहे हैं, उनका भी एहतराम करो अगर शायरुल्लाह में से, और हैवान का भी एहतराम करो अगर शायरुल्लाह में से। तो मैं मुसलमानों से दस बस्ता एक गुजारिश करूंगा, कम से कम हद कि जो अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पाक देना चाहेंगे वो शायरुल्लाह में से है या नहीं है, जिनकी याद से अल्लाह याद आ जाए। जबकि हकीकत में आपसे कहूँ कि हुसैन शायरुल्लाह नहीं है फकत, हुसैन सारुल्लाह है। सारुल्लाह है हुसैन जी, वो के जिनका खून बहा अल्लाह के जिम्मे है, वो बना तार है, और हुसैन बेटे हैं उस अली के जो खुद सारुल्लाह है, सुभानअल्लाह। तो बात को मैं ये फकत अर्ज करना चाह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जाहिर के मटेरियल पर एहतराम नहीं करवाया फरिश्तों से, बातें की रूह पर एहतराम करवाया। खिलकत पे बात हो रही है कि हमारी खिलकत पे जो अल्लाह ने डिग्निटी हमें अता की, तो अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें एक बूंदी भी मट्टी से खल किया। अच्छा, हम सभी मट्टी से खल हुए, किस तरह से? और कीजिएगा कि वो जौहर कि जिससे विलादत हो सके आगे, वो गजा से बनता है, वो गजा हम मुख्तलिफ जगहों की इस्तेमाल करते हैं, वो गजा मट्टी से आती है, जमीन से उगती है। तो बोला हमारी खिलकत का एहतमाम भी उसी जमीन ही से होता है और मुख्तलिफ जगहों से होता है। और अगर किसी जानवर का गोश्त खा रहे हैं तो जानवर ने भी जमीन ही से कोई गजा खाई है। तो बोला हमारी खिलकत सबकी खिलकत जमीन से। फिर अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें उस जमीन से खल करने के बाद उस कतरे नजिस को महफूज मकाम पर रखा कि जो खून जिल्द और लहम गोश्त के दरमियान है। उसके बाद उस नुतफे को अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया, अल्लाह ने नुतफे को जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से गोश्त का लोथरा बनाया, गोश्त के लोथरे से हड्डियां बनाई, फिर कसम और अज़ाम अल्लाह ने, उसके बाद हमने उन हड्डियों पर गोश्त की तह को चढ़ाया। सुम्मा चाक में फलका ना था, उसके बाद कहीं सुम्मा से जिक्र किया है अगला मरहला, क्या मतलब है? जहां हर्फ फा है, गोश्त खून रूह आती है वक्त की बात, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाया यहां पर, तो चार महीने बाद रूह आती है। सुम्मा अचानक एक वक्त गुजरा कि फिर उसका अंदर रूह को भूखा। तो ये अल्लाह ने फासलों को भी इस तरह से बयान फरमाया है कि जो मरहला फौरन हो रहा था उसे हर्फ़े फ़ा से बयान किया, और जो एक
अच्छे बात हो रहा था उसे सुबह से बयान की। अच्छा घर पे साहब आपसे बेहतर कौन समझेगा, मकबूल तो वाला जब खुदा किसी चीज का इरादा कर ले तो वो ये फरमाता है कि कुन, और अल्लाह कुन का भी मोहताज नहीं है। इमाम ने फरमाया कि कुन तुम्हें समझाने के लिए अल्लाह ने कहा है, कुन फयकुन। काश मैं बात पहुंचा सकूं, आप साहिबान नजर को तशरीफ फरमाए। जो कुन और यकून के दरमियान की फाय ना, वही मोहब्बत और ये के दरमियान की फाय। हम्द परवरदिगार की,
उसके एहसान पर तद रजअल हक लना मकाना कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया, आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। माँ हाथ ले रहा हुआ लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है, ये कदम वो आए जो दूसरे रिसाला पर पहुंच कर पूछा गया, एक ही मरहले को बयान किया तरफी बार गुफ्तगु जारी है। तो जब हम गोश्त का उसका हड्डिया उसके बाद फिर गोश्त थुम उसके बाद फरमाया एक जमाना गुजरा, चार महीने गुजरे, फिर हमने रूह होगी उसमें, यहाँ रूह का जिक्र नहीं डायरेक्ट, थुम अचानक खलकन आखर हमने उसे नई खिलकत अदा कर दी। ये नई खिलकत क्यों कही अल्लाह ने रूह को, देखें जनाब अमीर का फरमान कि हे जब हाजिर इंसान, ये इंसान कितना अजीब है, यह अंदर में वजम इंसान कितना अजीब है कि चर्बी से देख रहा है, हड्डी से सुन रहा है, गोश्त से बोल रहा है और फिर भी अकड़ रहा है। क्या इंसान को उसकी हैसियत औकात याद दिलाइए जनाब अमीर ने, तुम चर्बी से देख रहे हो, हड्डी से सुन रहे हो, गोश्त से बोल रहे हो, फिर उसके सामने अकड़ रहे हो। अच्छा सवाल एक है, चर्बी से इंसान देख रहा है, अब बात से बात को मजबूत करते चले जाए तो बात बड़ी तफसील में चली जाएगी। वो खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जो हिंदी तबीब से मुकालमा है जिसमें मौला ने पूछा था कि ये बताओ कि अल्लाह ने आंखों की रुतूबत को नमकीन क्यों रखा है और जबान की रुतूबत को शीरीन क्यों रखा है और कानों की रुतूबत को तल्ख क्यों रखा है, बेटा तो एक ही चेहरे में चंद इंचिस के फासले से ये अल्लाह सुभान, ये क्या खिलकत है इंसान पर, एक खालिक, एक मुदीर, एक रब, उसकी दलील नहीं है क्या, इत्तेफाक से हो रहा है क्या, कमाल है। यानी कि अल्लाह सुभान व तआला ने ये इस एक चेहरे में कम से कम तीन रुतूबतें हैं और तीनों की कैफियत अलग अलग है। तो इमाम मेहंदी तभी से पूछा कैसा क्यों, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, माँ ने फरमाया कि इसलिए कि यहाँ पर नमकीन से रखी गई चर्बी है, हाँ चर्बी है, तो उसे बाकी रहने के लिए नमकीन रुतूबत की जरूरत है, चीनी रुतूबत तो चर्बी पिघल के खत्म हो जाएगी, इसे नमकीन रखी है आसमान होता है, इसलिए जब आंसू बहाते हैं तो बहरहाल वो नमकीन आंसू बह रहे होते हैं, और जबान की रुतूबत चीनी में इसलिए रखी है कि अगर ये नमकीन रख लेता तो कभी प्यासी ना बुझती फिर इंसान, ये चीनी इसलिए रखी है कि आप पानी पीजिए तो प्यास बुझ जाए आपकी, और कानों की रुतबत तल इसलिए रखी है कि हशरातुल अर्श महफूज है सके इंसान, दो जाए कि फिल्टर लगा अल्लाह सुभान व तआला ने यहां पर कि कोई इंसेक्ट है कोई हशरातुल अर्श में वो अंदर ना चला जाए तो उसके लिए सेफ रहे वो। 1400 बरस पहले इमाम अलजिया ने बयान फरमाए सादिक अल मोहम्मद, हां फखर कीजिए इस बात पर, यह हमारा एक टिकड़ा, मैंने मकाम पर कहा था पता नहीं आप तक हो सकता है सोशल मीडिया से पहुंच गया, लेकिन मैं कर दूं कि अगर हमारा तारुफ कोई पूछे तो तारुफ यह है कि हम बंदे अल्लाह के हैं, उम्मती मुस्तफ़ा के हैं, शिया अली के हैं, आज़ादा हुसैन के हैं, मुंतज़िर इमाम ज़माना के हैं और मज़हब जाफ़री है। जो है वो अपेरेंटली इमाम अबू हनीफा फिक्ह के इमाम, तफसीर के नहीं, इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर के इमाम है, हदीस के नहीं, इमाम ज़ाहबी हदीस के इमाम है, फिक्ह के नहीं, जब हमारे इमाम जाबिर सादिक की खिदमत में तो हर से लेकर फर्श तक कोई मौजू ऐसा नहीं।
कि जहाँ सादे खाने मोहम्मद की रहनुमाई मौजूद है। आज जलवाई देखो आसानी की भी ताकीद है कि मुहर्रम, फातिमिया, रमजान का अय्याम अली और चौथी शहादत जिसे खास और खास एहतमाम से मनाया जाए वो सादे खाने मोहम्मद की शहादत है। इसलिए में रखा एक रोजा मजलिस नहीं होनी चाहिए, इसमें चार रोजा पांच रोजा मजलिस होनी चाहिए, सादगियां होना चाहिए, उसकी वजूहात है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जिक्र को जिंदा रखना और जवानों तक उस जिक्र को पहुंचाना कि किस फिक्र के मानने वाले हैं, ये फिक्र बाकरी, फिक्र सादगी, फिक्र जाफरी, फिक्र बाकरी, वही फिक्र दर हकीकत यही फिक्र मोहम्मदी है जो खालिस जो असील सिलसिला। बात से बात निकलती चली जाएगी वरना इस पर मैं आपकी खिदमत नज़ करता। तमाम आइम्मा इमाम सादिक इमाम मुझसे कहा था बिलखसूस फिर इमाम रज़ा इस्लाम जब खुरासान पहुंचे थे तो खुरासान में इमाम रज़ा इस्लाम के मौजूदों को देखकर वो इमाम से तो इंस्पायर होते थे लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे फकत ये मुझे माने, इमाम पूरे सिलसिले को बयान करते थे मुझसे मोहम्मद रहमान फकत मुश्तक नहीं। और सुलेमान इब्ने हज़रत अली का बयान है कि महफिल में इमाम रज़ा इस्लाम की खिदमत में बैठा हुआ था तो इमाम ने 156 हदीसें मुझसे बयान की जिसमें से हर एक की सनद ये थी कि मैंने सुना अपने बाबा मुसा कासिम से, उन्होंने सुना अपने बाबा जाफर सादिक से, उन्होंने सुना मोहम्मद बाकर से, उन्होंने मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम अली अलैहिस्सलाम से, रसूलुल्लाह से। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब हदीस बयान फरमाते थे तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें रिसालत है जो तुम्हें हमसे मिल रहा है। अपने मकाम पर तो बात से बात जब गोशों में जाती है तो मैं चाहता हूँ कि जो अतराफ के जमाने में उस पर भी बात होती रहे और थोड़ा थोड़ा सा मौजूद भी आगे बढ़ता रहे। तो मौला अली साहब ने क्या कहा कि इंसान कितना अजीब है, चर्बी से देखता है, गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है। एक सवाल, दुनिया की सारी चर्बी एक जगह जमा कर दे उसे मैं देख के बताए हमने उसे एक नई शिरकत अता कर दी, नई शिरकत का मतलब रूह ना हो तो कुछ भी नहीं हो। फिर अल्लाह ने कहा तबारक अल्लाह हसन खालिक तो कितना बेहतरीन है तुम्हारा हल करने वाला परवरदिगार है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह 3 में भी फरमाया रब्बी ने वज़ह तुम तो रसीन मगाद अल्लाह ने मिल लगत खलक इंसान फिर अहसन तकवीम 3 की कसम, ठीक है, जैतून की कसम यानी ऑलिव्स की कसम, फिक्स की कसम और तूर सीना की कसम, वहाजल बलद लमीन इस अम वाले शहर की कसम। और ये इसमें रब क्या है, अल्लाह ताला ने दो फलों की कसम है, एक पहाड़ी की कसम, एक शहर की कसम, बेरब बात काम भी नहीं करते, तीन की कसम यानी जैतून और जैतून इंजीर की कसम, जैतून की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, पहाड़ी की कसम, शहर की कसम, इंसान को असल तकवीम पे खड़ा किया। इसकी एक ताबीर यह है इंजीर की कसम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था ना कि ला तक़रब हाज़िहि शजरा, उस दरख्त के करीब नहीं जाना, वो अंजीर का दरख्त था। जब तूफान नूह खत्म हुआ ना तो एक परिंदा आया था अपनी चोंच में जैतून की पत्ती लेकर ये बतलाने के लिए कि खुशकी कहाँ पर है। तूर सीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे वहां पर, हाज़िर बलद लमीन ये मक्का, और कीजिए अगर मैं चाहते हैं यानी इसकी एक ताबीर ये भी है कि जमाने आदम की कसम, जमाने नूह की कसम, अहद मूसा की कसम, ऐ मुस्तफ़ा आपके जमाने की कसम, लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में खल्क किया है। अहसन तकवीम वो एक मरतबा हारून रशीद और ज़ुबैदा की बहस हो गई थी कि चार खूबसूरत ये ज़ुबैदा खूबसूरत, तो बहलूल के पास उन्होंने कहा कि भाई बहलूल आप क्या कहते हैं, बहलूल ने कहा कि इंसान खूबसूरत है जाना, कहने इसकी दलील क्या है, अरुण ने कहा कि चांद ज्यादा खूबसूरत। बहलूल ने नमाज पढ़ाना शुरू की, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन
सूर्य ग्रहण के बाद वहां से बलत जमीन लगत खलक कल कमर फी आसर तकवीन इंसान को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अहसन तकवीन पर खल्क किया है, उसमें ये पोटेंशियल रखा है। तो मैंने अर्ज किया था कि जनाब अमीर फरमाते हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको छोटा ना समझो, आमतान नगर जिसमें सगीर और फीमत तबर आलम अकबर, इसके अंदर अल्लाह ने पूरी कायनात को छुपा के रखा हुआ है। ये आयतुल्ला बन सकता है, ये डॉक्टर बड़ा बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? आप आलिम बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप PhD कोई थीसिस लिखिए, आप न्यूरोसाइंटिस्ट बन, कुछ भी बनिए, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत रिस्पेक्ट, मैंने तो आलिम की भी मिसाल दे दी, इज्जत किसकी है? करामत इंसानी है। इज्जत है कि आलिम के साथ अल्लाह का बंदा है या नहीं। डॉक्टर की इज्जत वो है कि डॉक्टर के साथ बंदगी है या नहीं, इल्म के साथ बंदगी है या नहीं। अच्छा ठीक है, जनाब अमीर ने क्या फरमाया, मुनाजात जो खुद मफात के जनाब में मौजूद हैं, इलाही कफा के इज्जत न कून लक अब्दा, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा अब्द हूँ। अली कह रहे हैं मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, वकफा भी फख्र न तकून अली रब, और मेरे फख्र के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब। इज्जत पासपोर्ट के कलर से, ये दुनियावी मामलात में आसानी पैदा करने के लिए जरिया जरूर है, इस हासिल भी करने को हरज नहीं, हलाल, अल्लाह की निगाह में इससे इज्जत नहीं होती। बात जहन में रखिए, इज्जत का जो मेयार है, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा। बंदा का मतलब यह है कि जब कोई ऐसी शय सामने, वैसा मंजर सामने है जिसे अल्लाह सुब्हानहु तआला देखने से मना किया है, तो मैं अल्लाह का अब्द हूं या नहीं हूं, मेरी निगाह बंद होती है या नहीं होती, ये बंदगी अल्लाह सुब्हानहु तआला। फजर का वक्त हुआ है, दायरे नींद का भी गलबा है, अब मैं क्या करूं, मुझे बार बार जनाब अमीर जी के कलाम से सहारा लेना है। फरमाया कि नशा तीन तरह का होता है, चार तरह का करता है नशा, चार तरह का है, एक है ताकत का नशा, एक है माल का नशा, एक है इल्म का नशा। अच्छा, यहाँ शराब के नशे की तो मौलाना ने बात ही नहीं की, इसलिए वो तो अंडरस्टूड है, उसमें से एक हदीस में फरमाया एक है नींद का नशा, इनका भी तो नशा है ना। मौलाना का अकलमंद इंसान वो है कि जो अपने आप को चारों तरह के नशे से बचा दे। ये अकलमंद इंसान वो है जो अपने आप को नशों से बचा लिए, कौन कह रहा है, जो खुद दुनिया का अकलमंद तरीन इंसान है, इस जमीन पर अकलमंद तरीन इंसान है, और कीजिएगा जी। तो नींद भी नशा है, अब फजर का वक्त है, तेरे शैतान भी गालिब है, फिर खुसूस जब फजर का वक्त है, बड़ा जल्दी हो जाए, रात को देर से सोना हो भी सोए, फजर का वक्त हो चुका है, तो अल्लाह की बंदगी क्या है? हाँ, ये अल्लाह की बंदगी मेरे सर पर अरमान पहनने से फकत नहीं है, अल्लाह की बंदगी इस बात में है कि उस हुक्म को जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया, उसे अंजाम देने में कितनी एफर्ट की है, कितनी जद्दोजहद की है, सुभान अल्लाह। तो वाला फरमाते हैं परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए कहा भी इज्जत न कौन अलग रखता, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी कि मैं तेरा बनता हूँ, फखर के लिए इतना काफी कि तू मेरा रब है, इलाही हत्ता कमा उहिफत अली कमा तुहिब, तो परवरदिगार मैं वैसा हूं कि जैसा तू चाहता तो मुझे वैसा बना दे, के तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, यह मौलाना कह रहा है परवरदिगार तू वैसा ही जैसा मैं चाहता हूं। आप कैसा खुदा चाहते हैं, जो उलू छुपाने वाला हो, जो रिस्क देने वाला हो, हाँ, जो डिजर्व ना भी करे तो दुआ को सुनने वाला, कबूल करने वाला हो, आप ऐसा खुदा चाहते हैं? तो मौलाना ने कहा परवरदिगार तू वैसा जैसा मैं चाहता हूं, तो मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। काश
तो ये है सबसे पहला इज्जत इंसानी का मेयार है। अब एक बच्चे की खिदमत हुई, मैं आज बात पे और भी मंजिल तक ले जाऊँ, जब एक बच्चा खल हुआ तो उसे रिस्क की भी जरूरत होती है। माँ रिस्क हो, अल्लाह ने कुरान में कहा कि जमीन में कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। हम देंगे इस बच्चे को रिस्क, इसकी तस्वीर शायद कल आपको सुनाऊँ इंशाल्लाह। कि रिस्क वक्त माल दुनिया नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, रिस्क बहुत कुछ है। सोचने की सलाहियत भी रिस्क है, वालदैन के दिल में हमारी मोहब्बत भी रिस्क है, हमारे दिल में औलाद की मोहब्बत भी रिस्क है, मजलिस इमाम हुसैन भी रिस्क है, ज़ियारत इमाम हुसैन भी रिस्क है, शफाअत इमाम हुसैन भी रिस्क है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक ली शफाअत हुसैन यौम अल-वलाद, परवरदिगार तू मुझे इमाम हुसैन की शफाअत बतौर रिस्क अता फरमा। तो ये सब रिस्क है। माँ मिन दाबत फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिस्क, जमीन में कुछ चलने फिरने वाला ऐसा नहीं जिसका रिस्क हमारे ऊपर ना हो। अल्लाह ने कहा बच्चा जब दुनिया में आया, रिस्क अल्लाह ने कहा कि हम उसके लिए इहतमाम करेंगे, कोशिश तो मैं करनी है, अल्लाह देने वाला है। साथ ही मोहम्मद एक फरमान याद आया, मैं किसी के लिए नहीं लेकिन जनरल, किसी ने वहां पूछा परवरदिगार ने बास अहमद का मेरा रिस्क बहुत ज्यादा दिया, ऐसा क्यों? आप देखते कभी कोई काबिल इंसान नहीं, फिर भी मिलेगा नहीं बहुत, एक इंसान इतनी मेहनत करने वाला उसको भी इतना नहीं है उसके पास। तो मौला अल्लाह ताला ने बास अहमदों को रिस्क बहुत दिया। क्यों? इमाम ने कहा अल्लाह ताला ने अहमदों को रिस्क इसलिए दिया है कि जो साहिबान हाथ चले वो समझ जाए कि रिस्क वक्त उनकी आदत की वजह से नहीं मिलने वाला है। जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ। ये जवानों के लिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली कि अल्लाह को सुस्त और काबिल मोमिन पसंद नहीं है। मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा हूँ, तवक्कुल का ये मतलब नहीं है। अल्लाह हमारे कहते चप्पड़ फाड़ के ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजाम रखा है, उसमें हमसे एक्सपेक्ट किया है कि हम कोशिश पूरी करें, एफर्ट करें। जमीन में कोई चलने करने वाला था जिसका रिस्क हमारे ऊपर ना हो, हमने दिया रिस्क। फिर बच्चा और बड़ा हुआ, एजुकेशन भी चाहिए बच्चे को। अल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, आज तक ज्यादा हो गए यार। लेकिन बकौल हजरत अल्लामा तालिब जली साहब अल्लाह मकामो, जब बहुत कसरत से आयात पढ़ लेते थे तो कहते थे कि आयात मैंने इसलिए ज्यादा पढ़ी कि मेरी मजलिस उनके लिए काफी हो जाए जिनके लिए कुरान काफी है। तो ये जितना उनके लोग कोई सारे सवाल रखते हैं। हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकमों से ऐसे निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, तो हमने तुम्हें सुनने वाले कान दिए, देखने वाली आंखें दी, सोचने वाला दिल दिया, अब तो शुरू करने वाले बन जाओ। तो ये अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए कि जिसे आप सीखें हासिल करें। मैं एक सबक सुना रहा हूँ, खिलकत, रिस्क, तालीम, फिर एक इंसान की जरूरत है इज्तिवाज। इन सब पे अलग अलग मुस्तकिल गुफ्तगू होनी चाहिए, और हो सकता है कि मैं कुछ बातें पेश करूँ आगे आने वाली मजालिस में। इसलिए हमारा मौजू है इंसान की करामत डिग्री देखी आए उसकी। तो ये आज दूसरी मजलिस है तो मौजू थोड़ा सा और आगे बढ़ाए। इज्तिवाज की जरूरत है इंसान की, अल्लाह का वमीन आयात ही है खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये उसकी निशानियों में से कि उसने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को खल किया है। उसके बाद
तुम्हारे दिल में मोहब्बत और रहमत को करार दिया, और इन फिजारे का लाया तुमने कौमी अथवा करो, इसमें साहिबान फिक्र के लिए निशानियां हैं। अच्छा, यहां तक पहुंचने के बाद जब इंसान एक एक लफ्ज में सुनिएगा, अल्लाह ने कहा मट्टी नुतफा, जब आप गोश्त कर लो थोड़ा हड्डिया, फिर गोश, फिर रूह, फिर विलादत, फिर रिस्क, फिर तालीम, इस्तेवाज, खुद साथ लोग लाते हुए। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद एक सवाल करता है अल्लाह ताला सूरह इंफितार में, या आयुह वल इंसान मा ज़र्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का, ए इंसान तुझे किस चीज में अपने उस करीम परवरदिगार के सामने मग़रूर बनाया हुआ है, उस वक्त उस कैफियत में उस लम्हे में अल्लाह के सामने अकड़ना है कि अल्लाह मैं जानता हूं कि ये हराम है, तूने मना किया है, कुदरत भी रखता उसको छोड़ दू ना, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों करता इंसान, क्यों? ये सवाल है ना सूरह फितर में, क्यों कर? इसका जवाब सूरह अलग में ढूंढ लीजिए। इंसान उस वक्त बयान करता है जब अपने आप को अल्लाह से बेनियाज समझता है। अगर जो बात हुई या कुरान से हुई है या मौला अली के फरमान से हुई है, इंसान उस वक्त करता है कि जब अपने आप को बेनियाज समझता है, चाहे कहना रहो जबान से, अपने अमल समझा रहा हो, मुझे जरूरत नहीं है, बात यहां पर आज मैं इंशाल्लाह इसको एक मकाम तक पहुंचा रहा हूं। जनाब, हमें वो रहमत मिलेगी जो दुनिया में किसी को अता नहीं हुए। सुभान अल्लाह। वो जनाब अमीर, वो इमाम हसन, वो इमाम हुसैन, हजरत हुज्जत तक हमें वो रहमत मिले, यही अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है, बस और कोई रास्ता नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि 20-25 और रास्ते होंगे से एक ही है, ना ना ना। अच्छा, आज के जमाने में ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स होते हैं ना, उस जमाने में तो रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने पूरा ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स के साथ अली को समझाया था। ये बात समझ में आई? हाँ, आपके रहने तो वजीर आया तो वो भी है। हाँ, मैं एक आपको मिसाल दूं, हुजूर मुकर्रम तशरीफ फरमाए, असहाब मौजूद है, हुजूर मुकर्रम का एक असहाब था, कुछ आड़े तिरछे खत खींचे हुजूर ने, सुनिएगा जरा मैं बात को थोड़ा तक पहुंचा रहा हूं, आड़े तिरछे खत खींचे, हुजूर ने कहा ये सब बातिल खत है, फिर एक सीधा खत खींचा, कह ये सिराते मुस्तकीम है, तुम्हारी जुमला ये पा ले ताकि दिमाग में बैठ जाए, ये तस्वीरें दिमाग में बैठ जाए, आड़े तिरछे खत सब एक लतीफ बात अल्लाह तशरीफ फरमाए, इनसे ताई दीजिए। अब दुआ पढ़ते ना सूरह अलहमद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, सीधी राह पर साबित कदम रख लिया, देखा क्या तर्जुमा मिल रहा, रास्ते देखने के लिए नहीं होते, चलने के लिए होते हैं। चलेगा कब भाई, मैं तो
एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सिराज का लफ्ज वो है कि जिसकी जमा नहीं, क्या 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 किया अल्लाह ने, एक बस एक राह है, इसमें प्लूरल पॉसिबल ही नहीं, एक राय पता देखा मजा इस्लाम से किसी ने पूछा कि मौला आदि कहते हैं अगर पूरे कुरान का खुलासा सूरह अलहम में है तो सूरह अलहम में मौला जी का जिक्र कहां पर है, जब पूरे कुरान में मौला जी का जिक्र है तो सूरह अलहम में कहां पर, मौला ने कहे पढ़ा नहीं है बिना सिराज मुस्तकीम, इसलिए मैं जवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लूरलिज्म का जमाना है, दुनिया में हर तरफ लोग अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी अल्लाह का रास्ता वो भी अल्लाह का रास्ता, इरफान है बातिल भी है, इरफान के नाम पर बातिल रास्ते, ये देखो काले बाकर और काला साथे कौन सुना रहा है, ये रास्ता है, एक रास्ता कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अमाल वगैरह में भी वज़ाइफ कुरान से है तो ठीक है अंजाम दीजिए, कुरान पढ़ना तो वैसे ही सवाब है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड भी बन चुका है जिसको देखें क्लिप में, ये तारीफ है फला वजीफा पढ़ी, ये अमल कीजिए, अगर किसी इमाम ने बताया है, किसी मासूम से हदीस है या कोई आसमान से नाजिल हुआ है, हर एक के पीछे ना चल पड़ा करें, पहले ये तो पता चला कि इमाम ने फरमाया सर आंखों में, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया,